भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित, मैं आज आप लोगों को यहाँ पे जेम पे एक नए फीचर्स ऐड हुए हैं जो है फॉरवर्ड ऑप्शन। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये फॉरवर्ड ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम फॉरवर्ड ऑप्शन के बायर में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और फॉरवर्ड ऑप्शन क्या है उसके बारे में हम बताएंगे। यहाँ पे ऑप्शन जो होता है वो दो टाइप में होते हैं, जैसे बीड है वैसा ऑप्शन है। बीड में कैसा होता है, हम वन टाइम टेंडर को भर देते हैं, एक बार भर देते हैं, टेक्निकल खुलता है, फाइनेंस खुलता है और फिर जो भी एलवन होता है उनको हम टेंडर को दे दिया जाता है। ऑक्शन में ऐसा नहीं है, ऑक्शन में आप सिर्फ टेक्निकल इन्वेलप भरते हैं, फाइनेंस इन्वेलप हम नहीं भरते। फाइनेंस इन्वेलप हम लोग लाइव डालते हैं। रिवर्स ऑक्शन में क्या होता है, रेट अपने को डिक्रीज होता है। जैसे रिवर्स ऑक्शन में कैसा होता है, यहाँ पे आप रिवर्स ऑक्शन में आरए में क्या होता है, आप एजे यहाँ पे सेलर होते हैं, आप सेलर होते हैं, डिपार्टमेंट बायर होता है। तो डिपार्टमेंट को कोई भी चीज परचेज करना है तो ऑक्शन के थ्रू से परचेज कर सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑक्शन। यहाँ पे मान लीजिए डिपार्टमेंट को 1 लाख रुपया का एक पेन चाहिए, तो हमने यहाँ पे टेक्निकल बिड ओपन किया, टेक्निकली क्वालिफाइड हो गए तो हम ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो 1 लाख से अभी नीचे आपको रेट डिक्रीज करते रहना है। हम 1 लाख डालेंगे, फिर 99,000 डालेंगे, 98, अपने कॉम्पिटिटर भी डालते रहेंगे। तो जितना भी टाइम तक होगा, 10 बजे से 1 बजे तक, 1 बजे तक ये बीड चलेगा, ऑक्शन चलेगा, और ऑक्शन में जो 1 बजे तक जो सबसे कम रेट में डालेगा उनको ऑक्शन मिल जाएगा। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑक्शन। सेम फॉरवर्ड ऑक्शन भी होगा, पर फॉरवर्ड ऑक्शन में क्या होता है, यहाँ पे आप बायर होंगे, डिपार्टमेंट से कुछ परचेज करना है तो आप फॉरवर्ड ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ रेट इंक्रीज करना है आपको, अभी रेट यहाँ डिक्रीज नहीं करना, क्योंकि आप यहाँ पे डिपार्टमेंट को बेचेंगे, सॉरी डिपार्टमेंट से कोई चीज खरीदेंगे, जैसे कि स्क्रैप मटेरियल। अभी कोई स्क्रैप पड़ा है डिपार्टमेंट के पास और उसको वो बेचना है तो वो बेच सकते हैं, वो आप फॉरवर्ड ऑक्शन के तौर से। कोई व्हीकल्स है, उनको व्हीकल्स की जरूरत नहीं है तो उनका फॉरवर्ड ऑक्शन निकालते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड ऑक्शंस। तो ऐसे आपको यहाँ पे वो फॉरवर्ड ऑक्शन, जहाँ पे आप क्या होंगे, बायर होंगे और डिपार्टमेंट सेलर होगा। रिवर्स ऑक्शन में डिपार्टमेंट बायर होगा और आप सेलर होंगे। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो रिवर्स रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम यहाँ पे आज बायर का रजिस्ट्रेशन के लिए देख रहे हैं, फॉरवर्ड बायर रजिस्ट्रेशन, फॉरवर्ड ऑक्शन बायर। यदि आप ऑनलाइन ऑक्शन के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन ऑक्शन पे जाएंगे तो जो भी रिवर्स ऑक्शन है अभी चालू है, फॉरवर्ड ऑक्शन, वो आपको यहाँ पे दिख जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट का। और आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे साइन अप, फॉरवर्ड बायर और सेलर। तो हम लोग अभी बायर के बारे में बात कर रहे हैं, हम और एक वीडियो बताएंगे जहाँ पे सेलर के बारे में करेंगे, फॉरवर्ड ऑक्शन बायर। यहाँ पे ईमेल आईडी गवर्नमेंट का लगेगा आपको, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे गवर्नमेंट का एक ईमेल आईडी है, पासवर्ड आप जो भी फॉरवर्ड ऑप्शन के लिए बायर पासवर्ड रखना रख सकते हैं। कंपनी का डिटेल्स, कंपनी कैसी है, प्रोप्राइटर, एंटिटी नेम, यहाँ पे हम लोग खुद का डाल रहे हैं ना, बायर का, तो बायर मतलब हमारा। भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन, पर्सनल नेम यदि आपके पास कोई है तो आदित्य पंडित, जीएसटी मैंडेटरी नहीं है, जीएसटी कैटेगरी आप इसमें चाहते हो, वेस्ट में, लैंड बिल्डिंग, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल में, आप जिसमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो आप उसमें टिक कर सकते हैं। मुझे सभी में करना है तो मैं सब में ही टिक कर देता हूँ। एड्रेस, स्टेट महाराष्ट्र, सिटी आपका वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल सकते, मेरा वेबसाइट है
solution.co.in ये हमारा वेबसाइट है, हम वेबसाइट को डाल देते हैं यहाँ पे। नेम एज पर पेन आपको डालना है और वेरिफिकेशन कोड, ठीक है, यहाँ तक आपको डाल के वेरीफाई करना है। तो यहाँ तक आपको वेरीफाई करना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है सभी डिटेल्स। अब ये मुझे वेरीफाई करने के लिए बता रहा है, तो यहाँ से हम वेरीफाई कर लेंगे इसको। देखिए मैं आपको वेरीफाई का भी टैब दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे मेल आ चुका है, ये वेरीफाई और रजिस्टर ईमेल आईडी, मैं यहाँ से इसको वेरीफाई करूँ, ईमेल आईडी वेरीफाइड। अब यहाँ से मैं लॉगिन कर सकता हूँ, मेरा ईमेल आईडी, लॉगिन। शायद मैं पासवर्ड फॉरगेट हो गया, तो फॉरगेट पासवर्ड करता हूँ, ईमेल आईडी, न्यू पासवर्ड, यहाँ पे मुझे ओटीपी आया है 887491, यहाँ पे इसको रीसेट पासवर्ड, मैं लॉगिन करता हूँ। मीडिया ऑप्शन के लिए पार्टिसिपेट हो गया, फॉरवर्ड ऑप्शन के लिए। अब यहाँ से बीड दिखेगा और आर स्टेटस दिखेगा, हम यहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे कैसे पार्टिसिपेट करना है, टेंडर में कैसे सर्च करना है, इसके हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। आप चाहे तो हमारे ट्रेनिंग के क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको इसके ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जेम के पूरे पोर्टल्स के, बायर सेलर फॉरवर्ड ऑप्शन रिवर्स ऑप्शन बीओक बीड कस्टम बीड नॉर्मल बीड्स और भी जो भी सिलेबस हैं, कैटलॉग के बारे में, कॉर्डेंट के बारे में, रीसेलर पैनल, ओएम पैनल, वेंडर असेसमेंट, प्रोफाइल अपडेट, कॉज एंड मनी, सभी डिटेल्स को हम यहाँ पे कवर करते हैं। L1 परचेज, डायरेक्ट परचेज और बीड बनाने का प्रोसीजर बायर के पार्ट में। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका डिटेल्स मिल जाएगा, आप वहां से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मुझे अपने को पिंग कर सकते हैं।